है गाइस, हंसते हंसते फिर भी हम चलते हैं। सो गाइस, फाइनली जो मेरा आज का ब्लॉग है होल्ड स्प्रे के ऊपर, अपन कैसे हेड को अपने होल्ड कर सकते हैं अच्छे कम समय में, और कम से कम आपको 3-4 दिन तक होल्ड रहेगा। जब आप बाल को वॉश करके तभी ये होल्ड जाएगा। ये इतनी बॉम होल्ड स्प्रे लाया हुआ आज के ब्लॉग में मैं, और आज का जो ब्लॉग है पूरा इसके ऊपर है। और जो बहुत बंदे हैं जिसका हेयर खड़ा नहीं हो पाता, दोस्तों आज ये वीडियो शुरू से तक देखते हैं, वो बंदे लोग के लिए जिसका हेयर अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता डूड, तो गाइस क्या करो, ये ब्लॉग जरूर देखते जाना, पोस्ट पोस्ट करके बिल्कुल भी मत देखना। सो चलो हम दिखा देता हूँ मैं कौन सा होल्ड स्प्रे लाया हूँ कौन सा नहीं। और डूड, और ये जो होल्ड स्प्रे वो हमें सबसे अच्छी कम प्राइस में और सबसे अलग है, क्योंकि होल्ड एक थोड़ा सा मारो एकदम पूरा बाल को बॉम कर देता है। सो गाइस आज की वीडियो हमारा यही रहेगा कंटेंट आज का हमारा, और वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहना। मैं आपको होल्ड स्प्रे बताता हूँ कौन सा है कौन सा नहीं। सो ओके गाइस, ये होल्ड स्प्रे नाम दिख रहा होगा गाइस आपको। गाइस इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इसका होल्ड एकदम बॉम है गाइस। आप इसका पूरा पैकिंग देख सकते हो, एक्चुअली बीच में मैंने यूज किया था तो मैंने इसका ऊपर का मैंने इसका सील था और निकाल दिया। सो और ये पूरा बॉम है गाइस, आप पूरा देख सकते हो, कुछ भी किधर से वो नहीं है गाइस। और आपको ये प्राइस भी टैग दिख रहा होगा, प्राइस टैग दिख रहा होगा गाइस आपको। सो गाइस और आज का वीडियो इसके ऊपर ही है, कैसे इसको अपन बाल में अप्लाई करनी चाहिए कैसे नहीं। और जो बंदे ऐसे पढ़ाई से होल्ड स्प्रे मारो वो गलत मारते हैं, क्योंकि जो कम रहते हैं बंदे जो अपन बाल की केयर नहीं करते ऐसी होल्ड स्प्रे मार देते, फर्स्ट सबसे डैमेज तो वो खुद ही अपने हाथों से करते हैं। सबसे नंबर वन आता है बाल को डैमेज होने से बचाए, अपने अच्छे से कंडीशनर से और शैम्पू से वॉश करो बाल, और वॉश करने के बाद पास गाइस। सो फाइनली अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसका रिजल्ट बताते हैं कैसा आएगा कैसे नहीं होना। गाइस पहले तो अपने बाल को अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, वॉश करने का हेयर ड्राई से अपन को सुखाना पड़ेगा बाल को, फिर इसका अप्लाई करेंगे। कैसा करना वो वीडियो में आप देखते जाओ। मैंने इसे हेयर को अच्छे से वॉश किया, मैं पहले से वॉश कर चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, डैमेज उससे भी होते गाइस। और जो आप सोचते हो मेरा बाल एकदम अजीब जैसा क्यों लग रहा है गाइस, वो आपके हाथ में, आप अच्छे से अपने बाल को रिपेयर नहीं करते। और आज की वीडियो ये ज़रूर उसके ऊपर ही वीडियो, आप कहीं सब कम समय में अपना बाल होल्ड कर सकते हो। मेरे बाल की लेंथ देख सकते हो गाइस, कैसे जंगली जैसे हो गए, तेरा बिक्रम तिक्रम बिक्रम। सो गाइस और हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके
कितना बॉम आ गया ये हॉल डिस्प्ले, एकदम बॉम है गाइस। एकदम बोलते हैं ना जो अपन सैलून में चाहिए ना वैसे अपन को घर पे भी अपन कर सकते हैं, बस अपन को थोड़ा बहुत भागम भाग ही रहेगा इस सामान लेने के लिए। और भागने का क्या क्या रीज़न है डूड, मेरी जाए था कि मेरी वीडियो देख लूँ वहाँ से, आपको सब पता चल जाएगा कितना होल सेल में मिलता है कितना नहीं। सो गाइस, और ये देख सकते हो आप जो बेचारे जो बंदे रहते हैं बच्चे रहते हैं जो अपन हेयर से परेशान हो जाते हैं, डूड खड़े नहीं होते हैं किधर भी घूमने के लिए, हेयर अपना सेट नहीं होता, तो गाइस ये वीडियो उनके लिए डूड। और प्लीज़ प्यार दिखाओ ये वीडियो को भी। सो गाइस, और ऐसे ऐसे मैं ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ न्यू लाता रहूँगा, आप बताना मैं कौन सा मैं ब्लॉग लाता रहूँगा। सो डूड, क्योंकि हेयर बहुत अपने एकदम बॉम होनी चाहिए, हेयर से अपन पता चलता बंदा कौन है कौन, नहीं तो डूड कोई कुछ नहीं है, हेयर है तो सब कुछ है डूड। पहले मैं अपना हेयर कैरी करो, हेयर को रिपेयर करो अच्छे से, और अपने हेयर को बचाओ, कैरी मत करो, सो जाने दो, बताओ। तो सो गाइस, और वीडियो कैसे रहती है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना डूड। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी के लिए, और गाइस ये आपको होल डिस्प्ले चाहिए ना गाइस तो ज़्यादा क्या बाय करना, मैं इसका एड्रेस नीचे दे दूँगा और वहाँ जाके आप इसको बाय कर सकते हो डूड, एक नंबर है। क्योंकि गाइस ऐसा होल डिस्प्ले बहुत कम जगह को कम जगह पे रहता है जो इतना बॉम्ब डिस्प्ले होगा। सो गाइस अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं सो अभी के लिए हम जाते हैं बाय, और लुक भी एकदम सेक्सी लुक आया गाइस। तो सो अभी के लिए हम जाते हैं, चीज़ बाय।